Hello everyone, welcome to Dynamic Study. I am Jyoti Budhwar. Today we are discuss tree data structure. इससे previous video में हमने tree का overview लिया था. आज हम tree के जो further points होते हैं उनको discuss करेंगे. तो tree हमारे UGC NET exam के लिए बहुत ही important है. ये 4 to 5 questions की weightage रखता है. तो इस topic को बहुत अच्छे से करना है हमें. और अब हम डेली उन टॉपिक्स पे फोकस करेंगे जिससे हमारे एग्जाम में ज्यादा क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं, ताकि सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है, हमारा एग्जाम क्लियर होना. ठीक है, तो ट्री क्या है? ट्री एक रिकर्सिव डेटा स्ट्रक्चर होता है. रिकर्सिव डेटा स्ट्रक्चर का मतलब क्या है कि वो सेम टाइप की बहुत सारी वैल्यूज को कंटेन करता है. फॉर एग्जाम्पल, ये हमारे पास एक ट्री है. इसके अंदर ए बी सी डी ई एफ जी एच आई. अब यहाँ पे जो ए के फर्दर चाइल्ड है बी सी डी, और उनसे जो उनके जो फर्दर चाइल्ड है उनको हम एक एज ए सब ट्री या फिर ट्री भी ट्रीट करते हैं. उनको एज ए ट्री ट्रीट किया जाता है. तो इसलिए ये क्या है? रिकर्सिव डेटा स्ट्रक्चर है विच कंटेन वन और मोर डेटा नोड्स, जो कि कंटेन करता है वन और मोर डेटा नोड्स को, यानी कि एक से ज्यादा नोड्स भी हो सकते हैं. जो उसमें फर्स्ट नोड होगा वो हमारा रूट नोड होगा, बाकी के जो नोड्स होंगे वो हमारे चाइल्ड नोड होंगे. अब इस डायग्राम के अंदर, इस ट्री के अंदर जो हमारा ए है, सबसे पहला नोड है, वो हमारा होगा रूट नोड, बाकी क्या है? चाइल्ड नोड. और जो ट्री डेटा स्ट्रक्चर है वो पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप. नोड क्या होता है? हमारा जो नोड है वो हम, यानी कि जो ये ए है, ए एक नोड है. ए को हमने किसी नोड के अंदर स्टोर किया है, यानी कि नोड एक पर्टिकुलर वो प्लेस होता है जहां पे हम अपनी डेटा वैल्यू को स्टोर करते हैं. तो जो नोड्स होते हैं वो पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप को मेंटेन करते हैं. पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप कैसे? अब यहाँ पे जो ए नोड है वो पेरेंट है किस किस का? बी सी डी का, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं कि बी सी डी का पेरेंट ए है और ए के चाइल्ड बी सी डी हैं, या फिर ई एफ का पेरेंट बी है, या कैसे बोल सकते हैं बी के चाइल्ड ई और एफ हैं. और दूसरी रिलेशनशिप रखता है सिबलिंग्स की. सिबलिंग्स का मतलब होता है जिनका पेरेंट सेम हो. अब जिस नोड का पेरेंट सेम है वो आपस में क्या होंगे? सिबलिंग्स होंगे. जैसे कि बी सी डी, इन तीनों का पेरेंट क्या है? ए है. तो ये तीनों आपस में क्या है? सिबलिंग्स हैं. ऐसे ही ई एफ का पेरेंट बी है, तो ये दोनों क्या है? सिबलिंग है. एच आई का पेरेंट डी है, तो ये दोनों क्या है? सिबलिंग्स हैं. जी अकेला है, इसका कोई और सिबलिंग नहीं है. उसके बाद बात करते हैं रूट नोड. रूट नोड, जैसा कि हमने अभी देखा कि जो सबसे पहले वाला एलिमेंट होता है उसको हम रूट नोड बोलते हैं. तो सबसे पहला एलिमेंट और जो ट्री के टॉप मोस्ट में हो, सबसे ऊपर वाले जो प्लेस पे जो नोड हो उसको हम रूट नोड बोलते हैं. ट्री को हम टॉप डाउन अप्रोच से प्रोसेस करते हैं. सबसे पहले हम टॉप वैल्यू को, देन फर्दर बॉटम पे आते हैं. ठीक है, तो रूट नोड को हम क्या बोलेंगे? टॉप मोस्ट नोड और टॉप मोस्ट एलिमेंट जो हमारा होता है वो हमारा रूट नोड होता है. अब यहाँ पे टॉप मोस्ट एलिमेंट कौन सा है? ए. तो ए क्या हुआ? हमारा रूट नोड. उसके बाद अगर हम बात करें कि लीफ नोड क्या होता है, तो लीफ नोड हमारे वो नोड होते हैं जिनका फर्दर कोई भी चाइल्ड ना हो. अब यहाँ पे कौन कौन से नोड्स हैं जिनका फर्दर चाइल्ड नहीं है, यानी कि जो फर्दर आगे डिवाइड नहीं हुए. अब ए है, ए के चाइल्ड है बी सी डी, बी बी के चाइल्ड है ई एफ, सी का चाइल्ड है जी और डी का चाइल्ड है एच आई. लेकिन जो ई है, ई का कोई चाइल्ड नहीं है, यानी कि ई का चाइल्ड नल है. एफ का चाइल्ड नहीं है, जी एच आई इन सभी का चाइल्ड नहीं है. तो ये हमारे कौन से नोड हुए? लीफ नोड. तो लीफ नोड कौन से होंगे जिनका फर्दर चाइल्ड ना हो? डज नॉट हैव एनी चाइल्ड नोड.
और इस डायग्राम के अंदर हमारे चाइल्ड नोड कौन कौन से हुए, बी सी डी ई एफ जी एच आई। तो यहाँ पे हमारे जो चाइल्ड नोड हैं वो कौन कौन से हुए, ई एफ जी एच आई, ये हमारे लीफ नोड है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं इंटरनल नोड। इंटरनल नोड का मतलब है कि जिसका फर्दर कोई चाइल्ड हो, चाहे एक चाइल्ड हो लेकिन चाइल्ड होना चाहिए, तो वो कौन से होंगे, इंटरनल नोड। या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि एक्सेप्ट लीफ नोड अदर नोड्स आर इंटरनल नोड इंक्लूडिंग रूट नोड। रूट नोड लीफ नोड को छोड़ के बाकी जितने भी नोड्स बचते हैं वो हमारे सारे क्या होंगे, इंटरनल नोड, क्योंकि उनका कोई ना कोई फर्दर चाइल्ड है, एटलीस्ट वन चाइल्ड, मिनिमम वन चाइल्ड तो होना चाहिए, यानी कि ए के भी चाइल्ड हैं, बी के भी चाइल्ड हैं, सी का एक चाइल्ड है, डी के भी चाइल्ड है। तो ये सब क्या हुए, ए बी सी डी, ये हमारे क्या हुए, इंटरनल नोड। वन थिंग, लीफ नोड को हम एक्सटर्नल नोड भी बोलते हैं, एक्सटर्नल नोड। उसके बाद बात करते हैं हम पाथ। पाथ क्या होता है, पाथ एक सीक्वेंस होती है कंसेक्यूटिव एजेस की। जैसे कि अगर हमें पाथ निकालना है ई के लिए, तो क्या होगा, हम स्टार्ट करेंगे रूट नोड से, हमने ए के बाद हमने इस वाले एज को ट्रेवर्स किया, देन हम बी नोड पे आए, फिर हमने इस वाले एज को ट्रेवर्स किया, देन हम ई पे आए। तो अगर हम ई के लिए पाथ सीक्वेंस लिखना चाहें तो हमारी क्या होगी, ए टू बी टू ई। तो पाथ को हम डिफाइन कैसे करेंगे, सीक्वेंस ऑफ कंसेक्यूटिव एजेस। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें जी के लिए निकालनी है तो ए टू सी, सी टू जी हमारी पाथ सीक्वेंस होगी जी नोड के लिए। उसके बाद हम बात करते हैं एंसेस्टर। एंसेस्टर क्या होते हैं, एंसेस्टर हमारे ओल्डर जनरेशन वाले नोड्स जो होंगे वो हमारे एंसेस्टर होते हैं। लाइक ई एफ, ई एफ नोड का एंसेस्टर कौन है, बी है। जी का एंसेस्टर कौन है, यानी कि प्रीवियस नोड, प्रीडिसेसर, सी। एच आई का प्रीडिसेसर डी, और बी सी डी इनका प्रीडिसेसर ए, यानी कि एंसेस्टर। डिसेंडेंट क्या होते हैं, हमारे फ्यूचर जनरेशन। यानी कि पेरेंट टू चाइल्ड, और एंसेस्टर क्या था, चाइल्ड टू पेरेंट। अब पेरेंट टू चाइल्ड यानी कि ए की फ्यूचर जनरेशन कौन कौन सी है, बी सी डी ई एफ बाकी नोड्स। और बी के लिए अगर हम आइडेंटिफाई करें कि बी का डिसेंडेंट कौन कौन है, ई एफ, सी का जी, डी का एच आई। उसके बाद अगर हम बात करें डिग्री ऑफ ए नोड, किसी भी नोड की डिग्री क्या होती है, वो होती है कि जितने भी उसके फर्दर चाइल्ड हैं। डिग्री ऑफ ए नोड इज नंबर ऑफ चाइल्ड नोड ऑफ पर्टिकुलर नोड। अगर हमें फाइंड आउट करना हो ए की डिग्री कितनी है, तो ए के कितने चाइल्ड हैं, बी सी डी, तीन चाइल्ड हैं, तो ए की डिग्री क्या हुई, थ्री। बी के कितने चाइल्ड हैं, ई एफ टू चाइल्ड हैं, तो बी की डिग्री हुई टू, सी की वन और डी की टू। अब जो ई एफ है इनका तो कोई भी चाइल्ड है नहीं, तो चाइल्ड नहीं है तो इनकी डिग्री क्या होगी, जीरो। या फिर हम ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जो भी हमारे लीफ नोड होते हैं उनकी डिग्री हमेशा जीरो होती है, क्योंकि उनका फर्दर कोई भी चाइल्ड नहीं होता। उसके बाद अगर हम बात करें लेवल नंबर, तो लेवल नंबर क्या होता है, लेवल नंबर हम मेंशन करते हैं हर एक नोड के लिए, और हम शुरू करते हैं लेवल नंबर
जीरो से जो हमारा रूट नोड होगा उसको सबसे फर्स्ट लेवल फर्स्ट नोड को हम लेवल जीरो जीरो मेंशन करते हैं. देन सेकंड लेवल पे जब हम मूव करके आते हैं जो उसके चाइल्ड हैं उनका जो लेवल होगा वो उनके पेरेंट से वन मोर होगा, वन ज्यादा होगा, यानी कि लेवल वन होगा. जो अब ए के चाइल्ड कौन कौन थे, बी सी डी, इन तीनों का पेरेंट ए था, ए का लेवल जीरो है तो इन सब का लेवल क्या होगा, वन होगा. नेक्स्ट ई एफ जी एच आई का लेवल क्या होगा, टू होगा. प्रीवियस नोड का जो लेवल है प्लस वन. ये हम हर एक लेवल पे हम हर एक नोड को लेवल आइडेंटिफाई करते हैं. उसके बाद अगर हम बात करें हाइट ऑफ ए ट्री क्या होती है, हाइट ऑफ ट्री वो होती है हमारी मैक्सिमम लेवल नंबर. जो हमारा मैक्सिमम लेवल नंबर होता है ट्री का वो हमारी हाइट होती है. अब इस ट्री के अकॉर्डिंग मैक्सिमम लेवल नंबर क्या है, जीरो वन टू है. टू हमारा क्या है, मैक्सिमम लेवल नंबर. तो इस ट्री की हाइट कितनी हुई, टू. उसके बाद अगर हम बात करें सब ट्री, तो सब ट्री क्या होते हैं, जो हमारा फर्स्ट नोड, अब ये जो ट्री है इस ट्री के अंदर पेरेंट के जो चाइल्ड नोड हैं उनको भी हम एक एज ए ट्री ट्रीट करते हैं या सब ट्री. जैसे कि ए के चाइल्ड है बी सी डी, अब ये फर्दर आगे डिवाइड है तो जो बी ई एफ सी जी डी ई डी एच आई ये हमारे क्या हो गए, अलग से सब ट्री. सब ट्री वन, सब ट्री टू, सब ट्री थ्री, और इसको हम एज ए ट्री भी ट्रीट कर सकते हैं. ठीक है, तो ये तो थे हमारे कुछ पॉइंट्स जो कि ट्री के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और इनसे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. क्वेश्चन कैसे आएगा, कोई भी या तो डायग्राम देगा उससे पूछेगा कि इस ट्री की हाइट कितनी है या फिर पर्टिकुलर नोड की डिग्री कितनी है. तो हमें पता होना चाहिए कि डिग्री होती क्या है, हाइट क्या होती है. ठीक है, या फिर सब ट्री पूछ सकता है कि किसी पर्टिकुलर इस ट्री के अंदर सब ट्री, लेफ्ट सब ट्री में कितने नोड है, राइट सब ट्री में कितने नोड है. ठीक है, आज की क्लास में हम इतना ही करते हैं. इससे नेक्स्ट वीडियो में हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ट्रीज को एक्सप्लेन करेंगे. थैंक यू सो मच.